शहर सहित जिले के महिलाओं को सिलाई और ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। ममता महिला फाउंडेशन से जुड़ी महिलाओं ने एसपी सहित कोतवाली में शिकायत आवेदन सौंपकर वसूले गए रुपये को वापस दिलाने की मांग की है। कोतवाली पहुंची महिला ने बताया कि ममता महिला फाउंडेशन की सीनियर सुपरवाइजर मनीषा यादव ने अमित वर्मा के मीटिंग कराई। उनके कहने पर 6 ग्रुप में सेंटर खोले गए। यादव और वर्मा ने कहा था कि हर प्रशिक्षक को 20 महिलाओं को जोड़ना है। 3 माह में आपको 9,000 रुपये मिलेंगे। प्रशिक्षणार्थी को भी 1,000 रुपये के बदले में बोनस सहित 2,000 रुपये और डिप्लोमा मिलेगा। करीब 120 महिलाओं ने 1,20,000 रुपये अमित के बैंक खाते में वर्ष 2021 में जमा कराए थे, जिसका न तो बोनस मिला न प्रशिक्षणार्थियों को रुपये और डिप्लोमा मिला। महिलाओं ने बताया कि उक्त संस्था के द्वारा अन्य जिलों में भी ऐसे धोखाधड़ी के मामले सामने आए। खरगोन पुलिस भी उक्त तीनों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर गिरफ्तार करे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। कर लो तो आपको 3,000 रुपये महीने की सैलरी मिलेगी। उसके बाद में हमको कहा गया कि आपके 20 स्टूडेंट हो गए हैं तो अब आप 6 टीचरें भी तैयार करो तो आपको 5,000 मिलेंगे। उसके बाद में आप जैसे 6 की 36 बना लेते हो तो आपकी 8,000 सैलरी फिक्स हो जाएगी। इस तरीके से हमको कहा गया है और हमारी ना ही तो पेमेंट दी गई है और ना ही हमारे स्टूडेंट की पेमेंट आई है। हमारे स्टूडेंट से एक स्टूडेंट से 1,000 रुपये लिए गए हैं और उनको कहा गया था कि 1,000 रुपये के रिटर्न आपको 2,000 रुपये एक स्टूडेंट को। संपर्क करने की कोशिश की गई आपके द्वारा? हाँ, हमने उनको संपर्क किया, फोन लगाया तो हमको मतलब कोई जवाब नहीं मिल रहा। जवाब नहीं मिलता। क्या नाम लिखते हैं? मीना तान। जी सर, मैं ममता महिला उत्थान फाउंडेशन से हूँ। उसमें हम महिलाओं को इकट्ठा करके वहाँ पर ब्यूटी पार्लर या सिलाई के लिए महिला क्षेत्र में जोड़ा गया है और उसमें एक टीचर में 20 स्टूडेंट जोड़ने के लिए बोला गया है। तो 20 स्टूडेंट का 1,000 रुपये हम लोगों ने एक टीचर का 20,000 रुपये दिया गया है। इंदौर में अमित वर्मा है ना, तो ऐसा है कि 3 साल तक तो अच्छा चला, 3 साल के बाद ये लॉकडाउन के बाद उन्होंने पैसा नहीं रिटर्न करा। मतलब 1,000 बच्चों में 2,000 रुपये रिटर्न आना था तो वो नहीं आया है। किस प्रकार की बातें कही गई है उसमें? ऐसा बताया गया कि 1,000 रुपये में 2,000 रुपये रिटर्न आएगा और डिप्लोमा भी दिया जाएगा 3 महीने में। हम लोग को 3 महीने की सैलरी भी दी गई है 3,000 रुपये। तो अब तो सैलरी भी आना बंद है, बच्चों का पैसा भी डूब गया है और काफ़ी करोड़ों महिलाएं करोड़ों रुपए लगे हुए हैं इसमें। अच्छा, कितनी महिलाएं लगभग इसमें अपने क्षेत्र से होगी? अपने क्षेत्र से तो कम से कम 50 या 100 होंगी। अच्छा, तो वहाँ पर अगर आप बात करते हैं उच्च ऑफिस में तो किस प्रकार की बातें सुनने को मिलती है? आपको जवाब आते प्राप्त होते हैं? शब्द मिलती हैं, सुनते ही नहीं है, फोन ही नहीं उठाते हैं। क्या जवाब देते हैं वो आपको जब कहा जाता है कि मिलेगा मिलेगा, फिर अब तो फोन भी बंद हो गया है? अब क्या चाह रहे हैं आप लोग? बस हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग को न्याय मिले, बच्चों का जो पैसा फंसा है वो चीज मिले। ठीक है, क्या नाम लिखते हैं? हम तो नीलम गुप्ता लिखते सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।